हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू नितिन ऑनलाइन क्लासेज सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्दर सेगमेंट ऑफ द चैप्टर विच वी आर डूइंग विच इज डेवलपमेंट ऑफ क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग इनकम एंड अदर क्राइटीरिया तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी लिमिटेशन्स ऑफ एवरेज इनकम की हमने देखा था कि एवरेज इनकम में लिमिटेशन थी काफ़ी अब इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इनकम के अलावा और क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और फिर बाद में एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में भी तो इसको समझने के लिए हमें कुछ डेटा देखना है इस वीडियो में जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है तो सबसे पहले ये डेटा देखेंगे टेबल वन पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स तो अभी हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने इस वी आ, इस चैप्टर में ये समझ चुके हैं कि इनकम को आ, जो डेवलपमेंट को मेजर करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है एवरेज इनकम या एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम ठीक है तो जहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है उसको हम ज़्यादा डेवलप्ड समझते हैं हालांकि दैट इज़ नॉट द रियलिटी अब वही हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि इनकम के अलावा और ऐसी क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से कंपैरिजन होता है व्हाट आर द अदर फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड विच आर कंपेयर्ड ठीक है तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इनकम के अलावा वो क्या क्या क्राइटेरिया है तो सबसे पहले ये टेबल देखेंगे हम लोग विच uh, इज़ पर कैपिटल इनकम ऑफ सिलेक्टेड सिलेक्ट स्टेट्स मतलब कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स लिए हमने जैसे हरियाणा केरला और बिहार तो पर कैपिटल इनकम कितना है इन रुपीस हरियाणा में है वन लाख एटी थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर पर एन एम ये इकनॉमिक सर्वे है टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन का और केरला का कब केरला का इनकम कितना है पर कैपिटा इनकम वन लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव एंड बिहार का कितना है थर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइन तो इस हिसाब से इस टेबल के हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होता है वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होता है तो इस हिसाब से तो हरियाणा इज़ द मोस्ट हरियाणा शुड बी दी मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया बट ऐसा नहीं है बिकॉज देर आर अदर फैक्टर्स विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज़ फैक्टर्स ये ठीक है तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि इनकम इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर और एवरेज इनकम इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर थ्रू विच दी Uh, development is measured. There are several other factors which are equally important that we are going to discuss uh, or we are going to see further. So अब दूसरा table देखते हैं हम लोग टेबल 1.4. पॉइंट फोर इसमें हम क्या कर रहे हैं सम कंपेरेटिव डेटा ऑन हरियाणा केरला एंड बिहार तो अभी पर कैपिटल इनकम के हिसाब से हम लोग ईजिली कह सकते कि हरियाणा इज दी मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बट हियर अब दूसरा कंपेरिजन देखते दूसरे बेसिस पे दूसरे फैक्टर्स पे तो सबसे पहले आता है इन्फेंट मोटैलिटी रेट स्टेट वही है हरियाणा केरला और बिहार इसमें आप कंपैरिजन किस में है इन्फेंट मोटैलिटी रेट पर वन थाउजेंड लाइबर्स अब देखो इन्फेंट मोटैलिटी रेट लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो पर कैपिटा इनकम आगे एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये सारी चीज़ें जो ये सारे जो टर्म्स आ रहे हैं आप लोग के आगे इसको यू नीड टू नोट एड डाउन एंड यू नीड टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म्स बिकॉज दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी आस्ड इन योर एग्जामिनेशन फॉर वन मार्क ओके तो जो भी टर्म्स आपको uh, मिल रहे हैं uh, जो भी मैंने जो मेंशन किया वो प्लीज़ आप लोग uh, लिखेंगे एक पेज पे एंड यू यू विल मेक अ नोट ऑफ इट ऑन योर नोटबुक तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट को समझते हैं पहले क्या होता है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट इसको हिंदी में शिशु मृत्यु दर बोलते हैं मतलब एक हज़ार बच्चों में कि, कितने बच्चों की कितने बच्चों की डेथ हुई है वन ईयर में वो होता है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट सो इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ वन ईयर मतलब एक एक साल की उम्र पार करने से पहले ही ये इनकी डेथ हो जाती है एज अ प्रपोर्शन ऑफ वन थाउजेंड लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर मतलब एक साल के अंदर एक हज़ार बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है वन ईयर ऑफ एज को पूरा करने से पहले उस रेट को हम लोग उस उस दर को हम लोग शिशु मृत्यु दर बोलते हैं ठीक है इसी तरह लिटरेसी रेट क्या होता है इट मेजर्स दी प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेचर लिटरेट पॉपुलेशन इन द सेवन एंड अबव एज ग्रुप मतलब सात या उससे ऊपर के कितने सात वर्ष या उससे ऊपर के कितने लोग हैं जो साक्षर हैं जो मतलब साक्षर या लिटरेट किसको बोलते हैं जो किसी एक लैंग्वेज को लिख या पढ़ सकते हैं ओके okay? और इसी तरह से नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो इसका मतलब क्या है कि कितने लोग कितने बच्चे स्कूल uh, जा रहे हैं चौदह से पंद्रह साल की उम्र के मतलब इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ऑफ़ एज ग्रुप फोर्टीन एंड फिफ्टीन ईयर्स अटेंडिंग स्कूल ठीक है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप तो चौदह से पंद्रह साल के एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं uh, उस उस संख्या को हम क्या बोलते हैं अटेंडेंस नेट अटेंडेंस रेशियो ठीक है तो ये टर्म्स uh, आपको लिखना है नोटबुक में और उसको लर्न करना है तो आप वापस आते हैं टेबल पे तो इन्फेंट मोटैलिटी रेट के सिनेरियो uh, में हम लोग क्या देखते हैं कि हरियाणा के अंदर तीस uh, बच्चे पर वन थाउजेंड में तीस बच्चों की डेथ हो जाती है एक साल की उम्र पूरा करने से पहले केरला के अंदर केवल दस बच्चों की डेथ होती है और बिहार के अंदर थर्टी फाइव ठीक है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हरियाणा इस नंबर में भी ज़्यादा है जो कि सही नहीं है मतलब ज़्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं है राइट तो इन्फेंट मोरटे मोरटेलिटी रेट यहाँ पे ज़्यादा है तो इस हिसाब से हम कह सक हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हरियाणा शुड बी द मोस्ट डेवलपमेड डेवलप्ड स्टेट इसी तरह से लिटरेट लिटरेसी रेट में हम लोग परसेंटेज देखते हैं दो के सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट हरियाणा में कितना है एटी है केरला में कितना है नाइन्टी है हरियाणा से काफ़ी ज़्यादा है और बिहार में कितना है सिक्सटी टू परसेंट विच इज़ कम्पेरेटिवली वेरी लेस ठीक है एंड केरला इज़ डूइंग सिग्निफिकेंटली गुड और एटी टू परसेंट है आपका हरियाणा उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो पर वन थाउजेंड परसेंस सेकेंडरी स्टेज एज फोटीन एंड फिफ्टीन ईयर्स दो हजार तेरह और चौदह की रिपोर्ट है इसमें इसमें uh, हजार में से सिक्सटी वन स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका नेट अटेंडेंस रेशियो है uh, इसमें कितना है केरला में एटी थ्री और हरियाणा बिहार में सबसे कम विच इस फोर्टी थ्री तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि हरियाणा जो एक ऐसा स्टेट जिसमें पर कैपिटल इनकम सबसे ज़्यादा है केरला और बिहार से कंपैरिजन करते हैं बट उनका लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लिटरेसी रेट कम है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है और नेट अटेंडेंस रेशियो कम है

जा रहे हैं कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है कितने बच्चे ऑन रोल हैं ठीक है दीज आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स तो दीज दिस दीज दी फैक्टर्स दीज वर दी अदर क्राइटीरिया अपार्ट फ्रॉम इनकम दैट वी कंपेयर टू गेट दी फिगर दी एक्चुअल फिगर्स ऑफ डेवलपमेंट तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा ये डेटा अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ की और उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोस्ट वन मोर इम्पोर्टेंट स्टाफ विच इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसके हिसाब से मतलब जो हम अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह से कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स में uh, जब हम कंपेरिजन करते हैं तो इनकम के अलावा देर आर मैनी थिंगस दैट वी कंपेयर देर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच आर विच बिकम रिस्पॉन्सिबल इन द सेम वे वन वी कंपेयर अमंग्स द कंट्रीज दे अपार्ट फ्राम पर कैपिटा इनकम अपार्ट फ्राम एवरेज इनकम देर विल बी अदर फैक्टर्स च विल भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल तो वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टिल देन यू कीप स्टार्टिंग एंड प्रिपेयर द नोट्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ डोंट गो आउट थैंक यू वेरी मच